दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद अक्षर पटेल बने टीम इंडिया के लिए मसीहा। जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर किया ऐसा चमत्कार, कर दिया अंग्रेजों की नाक में दम। तो आखिर जब टीम इंडिया ने केवल 120 रनों पर ही अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया था, कैसे अक्षर और बुमराह ने टीम इंडिया की नैया अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लगाई पार? किस खिलाड़ी ने ठोका शतक? कौन खेल रहा है? कितने रनों पर? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? इन सब के साथ साथ उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया नए जोश और उत्साह के साथ विशाखापट्टनम के मैदान पर अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के इरादे से उतरी थी। सिक्का भी टीम इंडिया के पक्ष में रहा था। भारतीय कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजी गेंदबाजी आक्रमण के सामने भारत का बल्लेबाज क्रम इस तरह से नेस्ते नाबूद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने आए थे। दोनों ने 32 रन जोड़ भी लिए थे, लेकिन फिर ऐसा तूफान आया जिसके आगे भारत का हर एक बल्लेबाज तो सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। रोहित शर्मा केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो यशस्वी केवल 18 रन जोड़ पाए। यहां तक कि गिल तो एक बार फिर खाता भी नहीं खोलने दिया। डेब्यूटेंट सरफराज खान तक केवल 9 रन बनाकर चलते बने और 68 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को यानी कि आधी टीम को खो दिया था। तब जाकर अक्षर पटेल मैदान में आए। उन्होंने आकर मोर्चा संभालना शुरू किया। केएस भरत ने उनका साथ निभाना शुरू किया, लेकिन ज्यादा देर तक ये खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। किसी तरीके से अक्षर पटेल डटकर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। उन्होंने वुड के खिलाफ चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन दूसरी तरफ विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। हालात तो इतने खराब हो चले थे कि केवल 120 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया था। एक तरफ से अक्षर पटेल खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया 150 रन भी नहीं छोड़ पाएगी। लेकिन सलामे अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को इन दोनों ने अंग्रेजी गेंदबाजों की चट्टान की तरह डटकर सामना करना शुरू कर दिया। बुमराह ने आते ही डरकर नहीं बल्कि खौफनाक अंदाज में अपना खाता खोला था, वो भी जो रूट की गेंद पर मैदान के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर। इस चौके ने निराश भारतीय फैंस में भी उम्मीद की एक नई किरण जिंदा की थी। उन्होंने अक्षर पटेल का बखूबी साथ निभाना शुरू किया। उन दोनों ने पहले 20 तो फिर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। अचानक से मुकाबला पलटने लगा था क्योंकि टीम इंडिया 180 रन बना चुकी थी। अक्षर पटेल ने टॉम हार्टले की गेंद पर 2 कदम आगे निकाले और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर बुमराह के साथ अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया था। इस मुकाबले में पहली बार इंग्लिश खिलाड़ियों के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को तो बिखेर दिया था। बड़े बड़े बल्लेबाज इस मुकाबले में भीगी बिल्ली बन गए, लेकिन निचले क्रम के अक्षर पटेल और बुमराह ने खूंखार शेर की तरह उनकी नाक में दम किया हुआ था। अक्षर पटेल ने जो रूट को भी नहीं छोड़ा, उनकी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अक्षर ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया और अपना 50 भी ठोक दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने 78 गेंद का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो एक बहुमूल्य पारी खेल रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ बुमराह के लिए रन बनाना उतना आसान नहीं हो रहा था। कई दफा गेंद उनके हेलमेट पर और शरीर पर आकर लगी। अंग्रेजी गेंदबाज तो उन्हें आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अक्षर ने समझदारी दिखाते हुए बुमराह को कम से कम स्ट्राइक दी और एक छोर को अकेले ही संभाले रखा। ये खिलाड़ी अकेले टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बना हुआ था। उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचाया तो उनकी घातक बल्लेबाजी देख बुमराह ने भी अपनी अंदाज बदलना शुरू किया। गेंदबाजी करने आए मार्क वुड के खिलाफ बुमराह ने पहले तूफानी छक्का लगाया और इसी ओवर में जाते जाते एक और चौका लगाकर बुमराह ने अक्षर पटेल के साथ 100 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया। इंग्लिश गेंदबाजों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। इन दोनों ने देखते ही देखते मैच का पूरा रुख पलट दिया। अक्षर पटेल ने भी टॉम हार्टले की गेंद पर 2 रन जोड़कर अपना बेहतरीन शतक पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। पूरी टीम इंडिया खड़े होकर इस खिलाड़ी को सलाम करने लगी, क्योंकि सबसे मुश्किल घड़ी में ये खिलाड़ी चमकते सूर्य की तरह टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आया था। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दूसरी तरफ बुमराह ने भी 50 रन बना डाले थे। इन दोनों ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 349 रन बना लिया, अक्षर पटेल और बुमराह ने 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया और पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा था। जहां अक्षर पटेल 138 रन 3 छक्कों और 9 चौकों की बदौलत बनाकर नाबाद थे, तो बुमराह ने भी 73 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया था। जहां इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत के बल्लेबाजी क्रम को पार पा गए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम को पहले दिन अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा।
तो उनके साथ मिल डेब्यूटेंट सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीन खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड की टीम पहले दिन ही घुटने पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, डेब्यू पर ही सरफराज ने खेली कितने रनों की दहशत गर्द पारी, इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज, जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच का जबरदस्त घमासान एक बार फिर शुरू हो चुका है। विशाखापट्टनम के मैदान पर सरफराज खान की एंट्री से टीम इंडिया की पुरानी ताकत वापस आ चुकी है। हर कोई उनसे लाजवाब प्रदर्शन की उम्मीदें लगाए बैठा था। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर एक तरफ इंग्लैंड ने सोचा था कि पिछले मैच की तरह वो एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे। लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आधे रोहित शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोर कर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी तीन रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदर दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने जैक लीच की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जायसवाल जो रूट के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में डेब्यूटेंट सरफराज खान कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहां दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट के T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक सरफराज ने टीम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। सरफराज का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। वुड की गेंद पर 2 रन से लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं सरफराज 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 126 गेंद पर पूरा किया, वो भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां डेब्यू में शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी।
जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी। अपनी इस विध्वंस पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था, तो वहीं सरफराज खान ने 132 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत, जहां इन दोनों के तूफान में इंग्लैंड तो पहले दिन ही ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था।